अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। इफ एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 इज एक्ससीएफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, वहां पे मैंने सॉल्यूशन की सूरत में क्वेश्चन को लिख दिया है कि जैसे मैंने इसको सॉल्व करना है। मैं यहां से क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ x प्लस 3 एक्स माइनस 2 इज एचसीएफ ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड l। हमें k और l की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर्स ही होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो एचसीएफ क्यों के फैक्टर होते हैं। और चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम कि अगर फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आता है। तो यहाँ भी मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करूंगा, क्योंकि एच सी एफ दोनों फैक्टर हैं, जो ऊपर एच सी एफ लिखा हुआ है ना, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, वो इसके फैक्टर हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में अगर फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आता है। उसी चीज का मैं हवाला दे के इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। तो देखें, मैंने सबसे पहले p ऑफ x को अलग लिख लिया और q ऑफ x को अलग, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं, क्योंकि ये HCF है, इसलिए एक को मैंने x माइनस 2 से और दूसरे को x प्लस 3 से डिवाइड कर दिया। ये p ऑफ x को x माइनस 2 से ही करना है, अगर आप x प्लस 3 से करेंगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा और k नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि p ऑफ x को आपने x माइनस 2 से डिवाइड करना है और q ऑफ x को x प्लस 3 से, ये तरतीब याद रखनी है। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि ये जो x माइनस 2 है इसको 0 की को रखें और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2, पुट करते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस के। तो यहाँ ये रिमाइंडर बन चुका है, यहाँ पे बनेगा 5 इंटू 4 टू द 8 माइनस 6 प्लस का k। तो रिमाइंडर और ये बनेगा 5 इंटू 2 प्लस के, रिमाइंडर के 2 ये बनेगा 10 प्लस 5 के, क्योंकि ये जो एस एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए फिर। सो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो हम इस रिमाइंडर की जगह पे जीरो रख देंगे। जीरो इज इक्वल टू 10 प्लस 5 के, 10 उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 5 के, और फिर माइनस का 10 ओवर 5 इज इक्वल टू के, कटिंग होगी 5 वन्स आर 5 टूज आर, तो यहां से के मिलेगा माइनस का 2, 5 1s are 5 2s are, तो ये k मिल गया माइनस का 2, यहाँ से k की वैल्यू मिल गई। इसी तरह हम यहाँ भी रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, x प्लस 3 is equal to 0 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 मिल जाएगी, पुट करें q ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, फिर आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 7। तो ये अब रिमाइंडर बन चुका है, ये माइनस का 5 इंटू 3 3 इज आर 9, 9 3 इज आर 27 और यहाँ माइनस का 21, ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, और यहाँ माइनस का एल। अब ये माइनस का 5 इंटू 27 में से 21 माइनस कर दें तो
6 बचेगा 6 माइनस एल, और आप 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस का 5 है, और फिर यहाँ भी यही है, एज x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि वो इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, फिर माइनस 30 प्लस 5 है, ये 30 उधर जाके 30 हो जाएगा, 5l 30 को 5 पे डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू l, 5 1 5 6 l इज इक्वल टू 6। तो इस तरह हमने k भी फाइंड कर लिया और l भी फाइंड कर लिया। तो देखें ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया है।